अपना विश्वास मेंटेन रखें कोर्ट के ऊपर, और कोर्ट कोई अच्छा डिसीजन ही देगा। आगे से निष्पक्ष तरीके से, प्रॉपर तरीके से इसका डिसीजन हो और प्रॉपर तरीके से इसका आगे जाकर के एग्जाम कंडक्ट कराया जाए, तभी लोगों का फेथ जनरेट होगा। तो इसका नेक्स्ट डिसीजन 8 जुलाई को आना है और मैं मतलब भगवान से प्रे करूंगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गांव कनेक्शन चैनल पर। मैं यहां बात कर रहा हूं नीट 2024 की, जो एक मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है जो 5 मई को कंडक्ट हुआ था। जिस दिन एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसी दिन इवनिंग में पता चलता है कि राजस्थान के एक सेंटर में एक हंगामा हुआ और पेपर लीक हो गया। बाद में पता चलता है कि पेपर लीक नहीं हुआ, वहां कुछ बच्चों को दूसरा पेपर मिल गया था, हिंदी के मीडियम के बच्चों को इंग्लिश का और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को हिंदी का पेपर। इस वजह से वो एग्जाम दोबारा से इवनिंग में कंडक्ट कराया गया। पर सोशल मीडिया पर कुछ वायरल वीडियो आते हैं जिनमें पेपर लीक होने की खबर होती है, पर लोग उसको नजरअंदाज कर देते हैं कि हाँ ये तो कुछ ना कुछ अफवाह होगी। इसका रिजल्ट 14 जून को आना था और इसका आंसर की 3 जून को आना था, तो आंसर की इसका 3 जून को आ जाता है, जिसमें बच्चों की बड़े अच्छे मार्क्स आ रहे थे, तो थोड़ा लगता है कि पेपर का लेवल इजी था, तो बच्चों का अच्छा स्कोर आ रहा है, बहुत सभी लोग खुश थे। इसका रिजल्ट 14 को आना था पर अचानक से 3 की जगह 14 की जगह वो 4 जून को ही रिजल्ट आ जाता है नेक्स्ट डे। और जब रिजल्ट आता है तो लोग सभी शॉक थे, आखिर ये हुआ क्या। एक बच्चे के 650 मार्क्स आ रहे हैं 720 में से, उसको पता ही नहीं चल रहा कि उसको उसकी रैंक हजारों में है। AIR फर्स्ट, 1, 2, 3 बच्चों की नहीं, 69 बच्चों की AIR फर्स्ट थी। ताज्जुब तब हुआ जब पता चला कि एक ही सेंटर से, हरियाणा के झज्जर जिले के एक ही सेंटर से 5 से 7 बच्चों की लगातार AIR फर्स्ट आ रही है। इसके अलावा कई स्टेट ऐसे थे जहां सिंगल सेंटर से कई बच्चों की एक साथ AIR फर्स्ट आ रही है। लोग शॉक थे, ये हुआ क्या, ऐसा कैसे पॉसिबल है। वो तो ग्रेस मार्क्स वो कह रहे हैं 1563 बच्चों का करवाने के लिए, लेकिन ये तो बता नहीं रहे कि 1563 बच्चे हैं कौन, उन्होंने किन किन को दिया है, तो इसमें और कहते हैं कि हम ट्रांसपेरेंसी से काम कर रहे हैं, इसमें कहाँ ट्रांसपेरेंसी, कम से कम हमें बताएं तो हाँ कि इन इन बच्चों को हमने ग्रेस मार्क्स दिया है और इनका इनका होगा। अब 1563 एक डेटा बता दिया है बस, जो कट ऑफ है उस बिहाफ पे अगर देखा जाए तो नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन की हिम्मत नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स भी इजाज़त नहीं देंगे। जैसे और भी जो जैसे एक ही सेंटर से 720 कई सारे बच्चों के आ रहे हैं, तो इसमें भी घपलाबाजी हुई है, तो इस चीज़ को भी सही कराना चाहिए। और हम जैसे बच्चे जो होते हैं एवरेज बच्चे होते हैं, हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि हम लोग 750 या फिर जो भी इतना ज़्यादा कट ऑफ जा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग तैयारी कर पाएँ। रीनीट करा दे तो ज़्यादा सही रहेगा, मतलब जो बच्चों का लॉस हुआ है वो बच्चे जिनके मेडिकल कॉलेज नहीं मिले, क्योंकि अगर ऐसे नहीं करेंगे तो अगले साल भी कट ऑफ बढ़ेगी। जो बच्चे मान लीजिए 650-680 लाएँ तो अगले साल से 20 लाएंगे तो हम लोग को दिक्कत होगी, कट ऑफ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। मुद्दा तो ये है कि एग्ज़ाम जो है दोबारा से कंडक्ट कराया जाए, क्योंकि 1563 बच्चों पर जो नंबर का फ़र्क आ रहा है, यानी 655 नंबर पर जो है बच्चे को इस बार कॉलेज मिल रहा है, तो 1563 बच्चों का दोबारा कराएंगे तो इसमें से 200 से 300 हो सकता है सेलेक्ट हो जाएं, तो बहुत ज़्यादा फर्क आ रहा है सिर्फ 2 नंबर का। भाई पेपर इजी था पर इतना भी इजी नहीं था कि उसमें AIR फर्स्ट की लाइन लग जाए, टाइम कंज्यूमिंग था पेपर। इतना ही नहीं, समस्या तब आई और ये चीज़ पकड़ी तब गई जब कई बच्चे ऐसे थे जिनके मार्क्स 718 और 719 थे, क्योंकि यहाँ पर सिंगल क्वेश्चन करेक्ट और वन मार्क्स नेगेटिव वाला कंसेप्ट होता है, क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन करेक्ट होगा तो पूरे 4 मार्क्स मिलेंगे और इनकरेक्ट होगा तो 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। अगर आपके सारे क्वेश्चन सही हैं तो ठीक है, 720 में से 720 एक क्वेश्चन गलत है तो आपको 720 में से 716 मिलते हैं, और एक क्वेश्चन अगर गलत किया है आपने तो 1 मार्क्स आपका और कट जाएगा। क्लियर बिल्कुल, अटेम्प्ट नहीं किया और गलत किया है, क्लियर बिल्कुल। तो पर 717, 718, 719 का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है। ये मार्क्सशीट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए कि ये क्या है। यहां से चीज पकड़ में आई, जब यहां से चीज पकड़ में आई तब जाकर के NTA पर बहुत लोगों ने क्वेश्चन दागे, तब NTA ने इसका जो रिस्पॉन्स दिया वो खुद ही अपने रिस्पॉन्स में फंस गया। उसने कहा हमने कुछ लोगों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं, लगभग 1563 बच्चों को हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं। तो पूछा क्या ग्रेस मार्क्स किस बेस पर दिए हैं आपने, तब पता चला 2018 में, भाई 2018 के अंदर एक ऑनलाइन एग्जाम होता था, क्लेट का ऑनलाइन एग्जाम होता था जिसमें सारे क्वेश्चन एक जैसे होते थे। नो डाउट उस एग्जाम में कई बच्चों का टाइम लॉस हुआ था, कुछ ना कुछ गड़बड़ी की वजह से टाइम लॉस हुआ था, उस वजह से उस एग्जाम के अंदर ग्रेस मार्क्स दे दिए गए थे बच्चों को गवर्नमेंट के या कोर्ट के आदेश के अनुसार। पर साफ साफ लिखा था ये फॉर्मूला या ये रूल्स नीट और जेई के
ऑफलाइन एग्जाम पर लागू नहीं होता, पर फिर भी इन लोगों ने उसको टूल बना करके ग्रेस मार्क्स का खेल खेल लिया। आप समझ रहे हो, ग्रेस मार्क्स भी -20 से लेकर 720 यानी 100 में से 100% ग्रेस मार्क्स लोगों को मिल गए टाइम लॉस के बेस पर। कई टाइम लॉस का मतलब इन्होंने कैमरे के अकॉर्डिंग देखा कि बच्चे का कितना टाइम लॉस हुआ है और बाद अगेन क्वेश्चन बच्चे ने किस स्पीड से किए हैं, जो पॉसिबल नहीं है। यानी ये बहुत बड़ा खेल खेला गया था ग्रेस मार्क्स के बेस पर। और एक आध बच्चा नहीं, 1500 समझ रहे हो, 63 बच्चे तो बोल रहे हैं ये, पर ये डेटा हो सकता है और भी हजारों में हो, ये तो एनटीए बोल रहा है। सोचो अगर ऐसा ही होगा तो क्या होगा कि ग्रेस मार्क्स के बेस पर बैकडोर से। इतना ही नहीं, आपको पता होगा कि जब नीट के फॉर्म निकले गए थे, क्योंकि ये षड्यंत्र आज से नहीं है, ये षड्यंत्र पहले से ही चालू हो गया था खेलना, क्योंकि जब नीट के फॉर्म निकले थे तो इनकी एक प्रॉपर तरीके से डेट थी, ठीक है, डेडलाइन थी कि इस डेट को ये फॉर्म एंड हो जाएंगे। तो जितने भी नीट एस्पिरेंट होते हैं, नीट का एग्जाम देने वाले स्टूडेंट होते हैं, उनको पता होता है एंड डेट है, तो पहले ही अपना फॉर्म भर देते हैं। फिर अचानक से एंड डेट आती है और विंडो क्लोज हो जाती है, अचानक से 2 दिन के लिए विंडो खुलती है, उस 2 दिन की विंडो के अंदर लगभग 2 से 3 लाख फॉर्म फिर से भरे जाते हैं, 2 से 3 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। और सोचो आगे जाकर के उसका नतीजा हमें रिजल्ट में देखने को मिल रहा है। तो ये क्या है, ये आप समझ रहे हो, दाल में थोड़ा बहुत काला होता है, यहां तो पूरी दाल ही काली नजर आ रही है, ठीक है। यहां अचानक से विंडो खुलती है, 2 से 3 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं, अचानक से 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं ये लोग। किस बेस पर दे रहे हैं कि भाई आपके कहीं ना कहीं टाइम लॉस हुआ है, टाइम लॉस हुआ है तो हम ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं, जिसका कोई प्रावधान नहीं है, कोई किसी को इंफॉर्मेशन नहीं है। जो बच्चों ने पूछा, पेरेंट्स ने पूछा, तब जाकर के ये पता चला कि ग्रेस मार्क्स नाम की भी कोई चीज होती है। अगर ऐसा ही चला ना तो सारा मतलब पूरा विश्वास ही हट जाएगा सिस्टम के ऊपर से। आपको पता है कि इस एग्जाम के अंदर कितने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं बेटा, 23 लाख से 24 लाख बच्चे इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसके अंदर मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं या फिर बिल्कुल बिलो मिडिल, समझ रहे हो, मिडिल से भी बिल्कुल बिलो उस फैमिली से बिलोंग करते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चे को किस तरीके से पढ़ा पाता है, मुझे पता है कि कोटा के अंदर बच्चे जब आते हैं तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स बड़े उम्मीदों से अपने बच्चे को छोड़ करके आते हैं, अपना घर बेचते हैं, अपनी जमीन बेचते हैं, अपना कुछ ना कुछ गिरवी रखते हैं, अपने गहने गिरवी रखते हैं, क्योंकि वो जिस परिवेश में होते हैं वहाँ मेडिकल और इंजीनियरिंग का ही स्कोप होता है, तो उनको पता है यही लाइन है, क्योंकि उनका पाला भी इन्हीं चीज़ों से पढ़ रहा होता है, तो क्योंकि उनको और चीज़ें नहीं पता और क्या क्या एक्सपोज है दुनिया में और क्या क्या लाइनें हो सकती हैं बच्चे के लिए, क्योंकि उनको नहीं पता, उनको बस वही पता है, तो अपना पूरा संपत्ति, अपना पूरा सब कुछ लगा देते हैं और बच्चों को पढ़ने देते हैं कोटा जैसी जगहों पर। जब बच्चा जाता है और उसको अपनी पूरी मेहनत भी करता है, वो पूरी मेहनत करता है पर फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं होता, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में निगेटिव थॉट्स आते हैं, क्योंकि वो कभी कभी 1 या 2 या 3 साल से तैयारी करता है, अपने पेरेंट्स का बहुत सारा पैसा वो कहीं ना कहीं लगा चुका होता है उसके अंदर, तो किस मुंह से घर जाए, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जिसकी आपने न्यूज़ सुनी होगी कि हर साल ये केस बढ़ते जा रहे हैं। जबकि गवर्नमेंट को सीरियस होना चाहिए यहां पर, क्योंकि अगर गवर्नमेंट एक तरफ बोल रही है कि कहीं ना कहीं हम इसको सुसाइड केसों को रोकेंगे, इसको रिड्यूस करना है, खत्म करना है, उधर गवर्नमेंट इतनी लापरवाही कर रही है इस एग्जाम को कंडक्ट कराने में, जो मेडिकल का एग्जाम है जिसमें वो डॉक्टर्स बन रहे हैं, जब आप परेशानी में होते हो, पर जब बीमार होते हो तो आपकी पूरी जिंदगी इनके हाथों में होती है। इससे इंडिया में ही नहीं, पूरी दुनिया में थुथु होगी, पूरी दुनिया के अंदर लोग मतलब अपने इंडिया के मेडिकल फील्ड पर बहुत गर्व करते हैं कि इंडिया के डॉक्टर सबसे बेस्ट डॉक्टर होते हैं। जब ये चीज बाहर जाएगी कि यहां तो डॉक्टर पैसे देके बैकडोर से एंटर करते हैं, तो बहुत गंदा इफेक्ट पड़ने वाला है, तो गवर्नमेंट को इसमें बहुत सीरियस होना पड़ेगा। इसका असर कहीं ना कहीं उन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की मानसिक अवस्था पर पड़ने वाला है, क्योंकि बहुत सब अपना सब लगा देते हैं, सारा पैसा लगाने के बाद अपने बच्चे को पढ़ाने को भेजते हैं, तो अब क्या वो हिम्मत कर पाएंगे जब उनको पता चलता है कि इस एग्जाम में इस तरीके से धांधली होती है। यानी यहाँ राजा का बेटा ही राजा बन सकता है, यानी जिसके पास पैसा है वही डॉक्टर बन सकता है, मेहनत करने वाला डॉक्टर नहीं बन सकता। अगर ऐसा हो गया तो उनका फेथ खत्म हो जाएगा इस सिस्टम से, इस ऑर्गेनाइजेशन से, और कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट बहुत बड़ा आगे भी पड़ने वाला है, क्योंकि उनकी, समझ रहे हो ना मेरी बात, अपनी गाड़ी कमाई जो किस तरीके से खेती करके वो अपने एक एक पैसे को इकट्ठा करते हैं,
बेच करके कि काश मैं नहीं कर पाया, मेरा बेटा कर जाएगा, ये सोच करके वो ऐसी जगह पे भेजते हैं। जब बच्चा एक साल में नहीं निकाल पाता, सोचता है शायद मेरी कोई कमी रही होगी, मैं फिर से मेहनत करता हूँ, शायद मेरी कोई कमी रही होगी, मैं फिर से मेहनत करता हूँ। और फिर भी जब ऐसा बैकडोर से जब चीज़ें होती हैं तो वो उसका कितना बड़ा उसको मतलब हिट पहुँचता है, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होते हैं बेटा, उनका कहीं ना कहीं बेस वीक होता है, क्योंकि वहाँ उतनी टेक्नोलॉजी, उतनी एजुकेशन नहीं होती। वो 11, 12 तक गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ के जब या तैयारी के लिए आते हैं तो उनका जो स्कोर बनता है लगभग 620, 630, 650 तक ही बना पाते हैं खींच करके। क्यों? क्योंकि बेस वीक होता है, उनको कम टाइम के अंदर पहले बेस स्ट्रॉन्ग करना होता है, फिर तैयारी करनी होती है। अब सोचो अगर एक बच्चा 620, 630, 640 मार्क्स लेकर के आ रहा है, फिर भी उसकी रैंक हजारों में आ रही है, तो कैसे कैसे उसका सिस्टम के ऊपर, इस एनटीए के ऊपर, इस गवर्नमेंट के ऊपर कैसे विश्वास आएगा, और कैसे वो पेरेंट्स सरवाइव कर पाएंगे? मेंटली कहीं ना कहीं वो डिप्रेस होंगे, मेंटली टॉर्चर होंगे, और उनका विश्वास सबसे हटेगा। मैं अनुरोध करूंगा गवर्नमेंट से, कोर्ट से, कि इस पर फोकस करें, क्योंकि अगर जो ग्रेस मार्क्स प्रावधान है, जो आपने ग्रेस मार्क्स अपने बेस पर मात्र 1563 बच्चों को दे रहे हो, पर एक्चुअल में टाइम लॉस पूरी इंडिया में बहुत सारे सेंटरों पर बहुत सारे हजारों बच्चों का हुआ था, बट उसको संज्ञान में नहीं लिया गया। अभी हाल में ही कोर्ट ने डिसीजन लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि जिन बच्चों को, सिर्फ ओनली उन्हीं बच्चों के लिए डिसीजन लिया गया है जिन बच्चों को 1563 बच्चे जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं और एनटीए से क्वेश्चन पूछे गए और लताड़ भी लगाएगी कि ये गलत है, ठीक है, तब उन्होंने डिसीजन दिया कि जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उनका एग्जाम फिर से कंडक्ट कराया जाएगा और उनका रिजल्ट फिर से रिपब्लिश होगा। पर ये गलत है, खाली वही बच्चे यहां पर नहीं है, यहां लाखों बच्चे हैं जिनका टाइम लॉस हुआ है। यहां पर एक बात छुपा गए ये लोग, पेपर लीक बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है, उसको छुपा गए। कहा जा रहा है कि 8 जुलाई को इसका दोबारा से सुनवाई होगी, तब जाके क्लियरिटी आएगी पेपर लीक की। एक्चुअल में ये दिक्कत बहुत बड़े पैमाने पर हुई है, बहुत बड़े पैमाने पर दिक्कत हुई है, इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, नहीं तो सिस्टम से लोगों का विश्वास उठता चला जाएगा, और सिस्टम से विश्वास उठ गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। कई हजार लोगों पर सिर्फ एक डॉक्टर होता है इंडिया के अंदर, अगर इसका नंबर घटता चला गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी इसके अंदर। कई हजार लोगों पर एक डॉक्टर होता है, और अगर लोगों ने अप्लाई करना छोड़ दिया ना, क्योंकि विश्वास हट गया तो अप्लाई करना छोड़ देंगे, तो इससे बहुत बड़ा असर पड़ेगा, और सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है यहां पर ग्रामीण क्षेत्र और जो लोअर मिडिल वर्ग के लोग हैं उनके ऊपर, क्योंकि एक बच्चे को पढ़ाने के अंदर, एक साल के अंदर उनके 4 से 5 लाख रुपए खर्च होते हैं, और ऐसा रहा ना तो ये बहुत मतलब सही नहीं होगा। सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है इसका, कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट सीरियस हो, सही ऑर्गेनाइजेशन को पेपर कंडक्ट कराने के लिए दिया जाए और पूरी ईमानदारी के संग पेपर कंडक्ट कराया जाए। करंट में जो भी गड़बड़ी हुई है, अगर कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। जितने बच्चे इस प्रक्रिया से इफेक्टिव हुए उन सारे बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके से मिले, पर सबको प्रॉपर तरीके से न्याय मिलना चाहिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट को बढ़ के आगे आना चाहिए, और वो खाली उन 1563 बच्चों पर फोकस ना करें, वो इंडिया के 23 से 24 लाख बच्चों पर फोकस करना पड़ेगा। एक्चुअल में वो सारे के सारे इफेक्ट हुए हैं इस डिसीजन से। मैं यही कहूंगा, इसका सॉल्यूशन एक ही है, कि विश्वास तभी लोगों का जनरेट होगा जब इसका प्रॉपर सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन एक ही है कि एग्जाम को प्रॉपर तरीके से कंडक्ट कराया जाए, जिसमें कोई चीटिंग ना हो, कोई पेपर लीक ना हो, क्योंकि नीट का एग्जाम मेडिकल का वो एग्जाम है जिसमें एक बहुत सेंसिटिव डॉक्टर जैसी पोस्ट जनरेट होती है, जो आगे जाकर के जिसकी हाथ में कई लोगों की मतलब लोगों की जिंदगी होती है। तो मैं यही कहूंगा कि आगे से निष्पक्ष तरीके से इस प्रॉपर तरीके से इसका डिसीजन हो, और प्रॉपर तरीके से इसका आगे जाकर के एग्जाम कंडक्ट कराया जाए, तभी लोगों का फेथ जनरेट होगा, तभी लोग आगे जाकर के गवर्नमेंट पर और कोर्ट पर विश्वास रख पाएंगे। तो इसका नेक्स्ट डिसीजन 8 जुलाई को आना है, और मैं मतलब भगवान से प्रे करूंगा और सभी से कहूंगा कि अपना विश्वास मेंटेन रखें कोर्ट के ऊपर, और कोर्ट कोई अच्छा डिसीजन ही देगा जो सबके फेवर में होगा।